क्रांतिकारी बहुत क्रांतिकारी में आपका स्वागत है। बड़ी खबर है, बंगाल से लेकर दिल्ली, भोपाल, मध्य प्रदेश, बिहार तक डॉक्टरों की हड़ताल से आज मरीज करा रहे हैं। मसला कोलकाता में डॉक्टरों की पिटाई से शुरू हुआ और धीरे धीरे सारे शहरों के मेडिकल एसोसिएशन इसमें शामिल होते चले गए। हालात यह है कि मसला कोर्ट तक पहुंच गया है और अदालत ने कहा है कि सरकार बीच बचाव करे, बात करे और रास्ता निकाले, लेकिन सियासत को भी जैसे टॉनिक मिल गया है। केंद्र और ममता सरकार आमने सामने है। वहीं बंगाल में अब तक 150 से ज्यादा डॉक्टरों ने अपनी मांगों को लेकर इस्तीफा दे दिया। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, भोपाल, जयपुर, आसनसोल, तस्वीरें देखें आप, हर तरफ डॉक्टरों की हड़ताल। बंगाल में डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट के विरोध में दिल्ली से बिहार तक डॉक्टर हड़ताल पर हैं। देश भर के अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि डॉक्टरों की सुरक्षा पर ममता से बात करेंगे। हड़ताल की है बंगाल में, जो डॉक्टरों के साथ हुआ, वहाँ जूनियर डॉक्टर के साथ मारपिटाई हुई, उसकी वजह से दिल्ली के डॉक्टरों ने भी हड़ताल किया, उससे मरीज काफ़ी परेशान है। कैसे होगा इसका हल? देखिए, दो तीन बातें हैं। सबसे पहले तो जो कुछ बंगाल में हुआ, यंग इंटर्न्स डॉक्टर्स उनके ऊपर अटैक हुआ, लोगों के सिर फट गए, प्राण खतरे में पड़ गए, और उसके ऊपर डॉक्टरों की तो डिमांड केवल इतनी थी कि हमें सुरक्षा दी जाए, हमारे साथ अगर दुर्व्यवहार किया गया है तो जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। दुर्भाग्य से जो पश्चिम बंगाल की सरकार है और वहाँ की मुख्यमंत्री, उन्होंने ये जो जेन्युइन बात थी इसको ना सुनकर इस विषय के ऊपर अपने एक प्रकार से आंख बंद कर ली। उनको सुरक्षा देने की गारंटी देने के बजाय उनके साथ नौकरी उनकी बर्खास्त कर देंगे, इस तरह के अल्टीमेटम देने शुरू कर दिए, जिनको डॉक्टरों ने कहा कि हमें धमकी दी जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि वो इस विषय पर अत्यंत धैर्यपूर्वक गंभीरता से इस विषय के ऊपर जो है अपना संज्ञान लें। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।